जम्मू कश्मीर पुलिस हैज सीज्ड अ ट्रक एट लखनपुर जिसमें से 6 AK-47s और कुछ एम्यूनिशन भी बरामद किया गया है। अमृतसर से ये ट्रक कश्मीर घाटी की तरफ आगे बढ़ रहा था और लखनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये हथियार इस ट्रक में से बरामद किए हैं। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीनियर एडिटर प्रदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लेकर। यस प्रदीप, देखिए आज आप जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ट्रक आ रहा है जिसके अंदर हो सकता है कि एम्युनिशन हो। लखनपुर नाके पर उन्होंने ट्रक को रोका और जब उन्होंने ट्रक का सर्च करा तो उसमें से 6 AK-47 राइफल, 6 के करीब और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एम्युनिशन मिला है। और अभी भी ट्रक की जो जांच की जा रही है, ये ट्रक अमृतसर से वादी कश्मीर की तरफ जा रहा था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट का ट्रक है। अभी ये जांच जारी हो रही है, जांच कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से आ रहा था, अमृतसर में कौन इन्हें हथियार प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये दूसरा मामला पिछले 2-4 महीनों में आया है जबकि आर्म्स एंड एम्युनिशन वहां से लेकर ट्रक गया हुआ है कश्मीर। पिछली बार भी उन्होंने एक ट्रक पकड़ा गया था लेकिन उस टाइम वो कश्मीर में पकड़ा गया था जिसमें स्मॉल आर्म्स मिले थे और वो ट्रक भी अमृतसर से आया था। अब ये पुलिस जांच कर रही है क्या इंटरनेशनल बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, क्या ये नेक्सस है पंजाब के आतंकवादियों और कश्मीर के आतंकवादियों के बीच में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी ज्यादा अलर्टनेस है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे काफी अलर्टनेस है और वहां से हथियार स्मगल नहीं कर पा रहे हैं, तो नया रूट उन्होंने कोई ढूंढा है, ये सारा इन्वेस्टिगेट हो रहा है। मगर एक बात कही जाए तो ये बड़ी सक्सेस मानी जाती है पुलिस के लिए क्योंकि पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और उनकी पूरी कोशिश है कि वादी कश्मीर में की जाए सिचुएशन को, जो पीस प्रदीप। और एक और बात जो गौर करने लायक है वो ये भी कि सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि कोशिश हो रही है अलग अलग जरियों से कि डिस्टेबिलाइज कश्मीर को किया जाए।